नमर के सपोर्ट चैनल में आप सभी को स्वागत है आज का टॉपिक बुक नॉलजीबुल है एसपी का 450 मॉडल का एक लैपटॉप आया है इसमें प्रॉब्लम क्या है यूज भी कम नहीं कर रहा है तो यूजर ने बोला है यूज भी कम नहीं कर रहा है उसको ठीक करके देना है तो हम लोग को अभी क्या है चेक करना है स्टेप बाई स्टेप हम लोग को फॉलो करना है प्रॉब्लम किस टाइप का है ठीक है ना तो उसको चेक करने के लिए पहले तो लैपटॉप को ऑन करना होगा ऑन करने के बाद में क्या करना होगा कोई भी की या माउस हो लगा के हम लोग को देखना है अगर माउस लगा के देखा है तो माउस का जो पावर मिलना चाहिए ठीक है ना पावर मिलते माउस का जो बैक साइड नीचे साइड में डाउन साइड में आपका लीड ब्लिकिंग करेगा ठीक है ना जैसे लीड जलते रहेगा और की बोर्ड लागे ना हम लोग कैशलॉक लो का लाइट ब्लिकिंग करेगा ठीक है तो वो चीज़ हम लोग को ध्यान देना है तो आया है मेरे पास अभी लैपटॉप देखता है अभी क्या आता है ठीक है ना तो आप लोग देखिए और वीडियो में अच्छा से समझिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नया नया वीडियो मिलता रहे ये है लैपटॉप फोर फिफ्टी सॉरी ये थाउजेंड है देखने में सेम है लेकिन ये थाउजेंड है ठीक है फोर फिफ्टी एंड थाउजेंड सेम होता है लैपटॉप देखने में और सर्किट भी सेम है ठीक है इसका सर्किट वहाँ बैठ जाएगा वहाँ का सर्किट इसमें बैठ जाएगा खाली लिखा हुआ जो नंबर है मॉडल नंबर है वो चेंज अलग है ठीक है अब इसमें प्रॉब्लम क्या है यूएस का बोला है तो हम लोग को कन्फर्म करने के लिए क्या करना होगा ऐसा माओसेक ले लीजिए क्योंकि पहले तक हम लोग को कन्फर्म करना होगा ठीक है ना अब भी अगर सीख रहा है तो देखिए ध्यान देना जरूरी है बेसिक नॉलेज होना जरूरी है और ऐसे कुछ नहीं है आप भी कर पाएंगे ठीक है इधर लगाइए दो यूज भी है इस साइड में ठीक है तो आपका पास आप अगर टेक्नीशियन बनना खोज रहा है या सीख रहा है कोई ठीक है इंस्टीट्यूट वगैरह में सीख रहा है तो हम लोग को क्या करना ध्यान देना है ठीक है ना बेसिक नॉलेज आपको बहुत होना जरूरी है और रिपेयर तो एंडिंग प्रोसेस में आता है ठीक है ना पहले तो हम लोग को पता करना है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या हार्ड हार्डवेयर का प्रॉब्लम है ठीक है अगर सॉफ्टवेयर का हो तो सॉफ्टवेयर से हो जाएगा ठीक अगर हार्डवेयर है तो हार्डवेयर को फिर तो देखना होगा सर्किट बदलना पड़ेगा या रिपेयर करना होगा क्योंकि ये यू वगैरह जो है एक साइड का सर्किट अलग सा आता है ठीक है उस हालात में केबल अटैच होता है फिर वो केबल जाकर मादरा में अटैच होता है ओके अभी ये जो यू एस यहाँ लगा दिया लगाते डिटेक्ट भी नहीं किया यहाँ पावर भी नहीं आया ओके लगाते यहाँ डिटेक्ट करेगा ये जो आपका बैटरी के चार्जिंग का जो वाला आयकर है वहाँ पे डिटेक्ट करना चालू करेगा यू एस हार्डवेयर फोन बोल के ये देखिए लाइट नहीं चल रहा है ना तो इसको ऐसे रखिए फिर दूसरा यूज चेक कीजिए तब प्रोपर तरीके से देखिए ठीक है ये भी नहीं हो रहा है तो देखिए तुरंत सीखेंगे और तुरंत सीख जाएगा अब नहीं होगा ऐसा टाइम लगता है हर चीज में मेरे को भी टाइम लगा था तीन चार साल बिता दिया ठीक है ना तो ये एक बात है आपको ध्यान रखना है बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है किधर भी नहीं आया ठीक है माना तीनों यू एस वर्किंग नहीं कर रहा है और दूसरा तो हो गया एच डी एम ये हो गया लैंड पोर्ट ये हो गया भीजी पोर्ट ओके याद रखना है अगर प्रोजेक्टर आपके पास एच डी आई वाला है तो एच डी माई यहाँ है या भीजे आप इस एल सी डी स्क्रीन में लगाइए डेस्कटॉप वाला स्क्रीन में या प्रोजेक्टर में लगाइए भीजे वाला ये है ये एच डी वाला वाला है ये लैंड पोट हो गया ये हो गया यूएसबी ओके बी हो गया यूएसबी एस ये हो गया ऑडियो ठीक है आउटपुट ये माइक ठीक है उसको ये जैसे ऑन करेंगे या ले लिया जाएगा ये ध्यान रखना है ठीक है अब टच भी कम नहीं कर रहा है ठीक है ना ये बहुत नेत्रा करके भी लाया है ये देखिए टच मूवमेंट नहीं कर रहा है तो हम लोग ये देखना है ठीक है लेकिन विंडोज ऑन हो गया ओपन हो गया वो डेस्कटॉप तो कहा गया लेकिन टच वगैरह कोई कम नहीं कर रहा है और एक्स्ट्रा माउस भी कम नहीं कर रहा है तो ये चीज हम लोग आज देखना है की वोर्ड कम कर रहा है लेकिन टच कम नहीं कर रहा है और टच सिंबल जो है वो लॉक भी नहीं है लॉक यहाँ पे दिया है ये गोल राउंड दिखा है ये चीज़ को टच करने से ये टच कम करना चाहिए ये लॉक और अनलॉक ऑप्शन दे के रखा है ठीक है ये टच में ये देखिए तो मेरा फिंगर में ध्यान दीजिए इसको अगर टच करेंगे जोर से तो टच लॉक हो जाएगा ठीक है अनलॉक करना फिर इसको रिपीट से फिर दोबारा टच कीजिए फिर अनलॉक हो जाएगा बट ये काम नहीं कर रहा है तो इसका रीज़न क्या है ये चेक करना है तो हम लोग को अभी शट डाउन करना होगा शट डाउन करने के लिए है इसका डाउन में शट डाउन में जाना होगा शट डाउन जाते बॉन हो जाएगा लगता है सट डाउन हुआ नहीं हुआ तो बॉर्न नहीं हुआ हो गया ठीक है थोड़ा लेट है और ये की कॉप रहा है स्क्रीन मेरा कैमरा से कॉँप रहा है क्या कैमेरा से कॉप रहा है ओके सट डाउन हो गया अब हम लोग क्या करेंगे इसको इसको बैक साइड में पहले तो बैटरी का हम लोग अनप्लग करेंगे अभी यहाँ छंदा किस लिए बनाया है भाई तो इस टाइप का कराता है ठीक है ना ध्यान रखे खोलिए कोई टूटा फूटा होता है यूजर को बोलना होगा देखिए स्क्रूप भी नहीं है ठीक है स्क्रूप भी नहीं है और इस साइड में बॉडी का भी स्क्रूप दिया क्या और तेरी नहीं है तो इसमें भी स्क्रूप इस नहीं है इसका मतलब ये लैपटॉप को कारी कारी करके लाया हुआ है ठीक है इस टाइप का भी एक काम आता है देखिए स्क्रूप भी नहीं है ग्रुप भी नहीं है ये भी इसी टाइप का आया हुआ था ये रिपेयर हो गया है ठीक है सारा पड़ा हुआ है तो वीडियो को बढ़िया से देखिएगा आपको प्रोजेक्ट बारे में सिखाएंगे ठीक है मनी काउंटिंग भी है वेबसाइट में तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो भाई सीखना चाहते हैं वो भाई सीख पाएंगे ठीक है तो हर चीज पर्पर से सीखना होगा आपको अभी इसको देखिए इसक्रूप आया नहीं है अभी तो इसको ध्यान से खोलिए कोई और कुछ करके रखा हो तो ये हो गया वाईफाई फाई कार्ड ठीक है इसको निकाल दीजिए ये एंटीना केबल हो गया ये केबल अगर खराब रहेगा ना तो वाईफाई आपका हॉटस्पॉट जो है मोबाइल का वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे दूर से ठीक है ना डिस्टेंस से आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अब बगल से कभी कभी हो जाएगा कनेक्ट कभी कभी छोड़ देगा ये ध्यान रखिएगा ठीक है हॉटस्पॉट अगर कनेक्ट नहीं होता है वो ध्यान रखिएगा हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं होने का दो रीज़न है या तो वाईफाई फाई खराब है या तो वाईफाई के साथ में जो केबल है वायर जो कि ये केबल ठीक है ये हो गया एंटीना केबल ये भी टूटता है ठीक है ना ये भी ध्यान देना है और टूटने से भी आपका क्या है वाईफाई हॉटस्पॉट वर्क नहीं कर पाएगा ठीक है ये राइटर है रेटर का हम लोग निकल रहा है तो ऑलरेडी काम करके लाया है तो ये प्रॉपर अभी खोलने के बाद आपको दिखाएंगे क्या इशू है क्यूबोर्ड को निकाल दिया ठीक है क्यूबोर्ड निकाल निकालते दे, देखिए टच ओपन कंडीशन में है ओके और डस्ट देखिए तो आप लोग को प्रॉपर वीडियो दिखाएंगे हम ताकि आप लोग को भी समझ में आए लैपटॉप किस किस कंडीशन में आता है ठीक है ना इसीलिए प्रॉपर वीडियो देखिए पूरा वीडियो देखिए तब समझ में आएगा ठीक है ये कोई ट्रिक नहीं है ये खुद को सीखना पड़ता है ठीक है ना सीखने के बाद आप कम कर पाएंगे मे भी पाँच छः साल से पूरा सीख के ही कम करने चालू किया है ठीक है पहले मेरे को भी आता नहीं था तो इस टाइप का इशू आता है ये देखिए तो टास्क खुला हुआ है ओपन कंडीशन है देखिए क्या कंडीशन में आया है लैपटॉप देखिए इस टाइप का वीडियो आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब में पूरा सर्च मार दीजिए पूरा ऐसा आपको बेसिक से बेसिक नॉलेज नहीं मिलता कहीं तो मेरा नया चैनल है आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि मेरा चैनल को ग्रो हो पाए ताकि आप लोग को भी कुछ समझ में आए ठीक है लेकिन प्रॉपर वीडियो मिल जाएंगे आपको क्योंकि भाषा में थोड़ा दिक्कत होता है मेरे को भी हिंदी बोलने में ठीक है ना ये तो नेपाली लैंग्वेज मेरा मातृभाषा हो गया नेपाली बट हिंदी सीख रहा हूँ उतना क्लियरिटी नहीं है हिंदी और रहता हूँ जैसे इंडिया आसम आसम में भाषा चलता है हम लोग का लैंग्वेज जो है असमिश लैंग्वेज इसीलिए हिंदी में थोड़ा तकलीफ़ तो होता है ठीक है ना बात करना एक बात होता है लेकिन जो कि मेरे को अभी बेसिक नॉलेज देना है आपको तो हिंदी में सारा कुछ बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ठीक है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बट आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मैं टूटा फूटा होने से भी आप लोग को की चेष्टा करूँगा खाली देखते रहिए ये कि ये क्या चीज़ है ये स्पीकर का जगह है ठीक है ध्यान रखिएगा ये स्पीकर का जगह है उसको आराम से खोलिए ठीक है मदरबोर्ड में प्रेशर नहीं देने का देखिए तो इस टाइप का गंदा देखिए फैन देखिए अगर फैन भी खराब होगा ना तो ऑटो ऑफ का प्रॉब्लम आएगा यह ध्यान रखिएगा प्रोसेसर प्रॉब्लम होगा तो आपका क्यूबोर्ड में टू टाइम कैप्सुलॉक ब्लिकिंग आएगा यह ध्यान रखिएगा टू टाइम कैप्सुलॉक ब्लिकिंग प्रोसेसर खराब होने से आएगा या तो बायोस खराब होने से आएगा और ठीक टाइम ब्लिकिंग जो आता है वो रैम खराब होने से आता है ये रैम है रैम खराब होने से ठीक है और प्रोसेसर खराब होने से टू टाइम ब्लिकिंग आएगा ठीक है और बाइस भी खराब होता है तो टू टाइम क्या आता है ध्यान रखिएगा थ्री टाइम आता है इससे और फाइव टाइम जो आता है बीपिंग वो बीपिंग हो गया ठीक है बीपिंग फाइव टाइम का होता है ये सीमोस बैटरी खराब होने से एट टाइम होता है ग्राफिक ख़राब होने से बट इसमें तो काम किया है देखिए ट्रैक बना हुआ है ट्रैक को छेड़ दिया है देखिए अब इसका रीजन क्या है पता नहीं सारा ट्रैक कटा हुआ है देखिए देखिए ट्रैक कटा हुआ है आपको दिखाई दे तो इस टाइप का इशू आता है देखिए ये कट गया या तो घिस गया ये कोई स्क्रू ड्राइवर मार दिया होगा स्क्रू जब ये तो बॉडी साइड में होगा ये घिस गया है या तो ठीक तो है तो? कुछ तो रीजन है या तो खोल के देखा होगा क्योंकि कोरोजन तो इसमें लगा नहीं है काट गया तो है तो पूरा ट्रैक ही काट गया है पूरा कट गया थोड़ा भी नहीं कटा है इसलिए यूज भी काम नहीं कर रहा है ठीक है अब टाच तो देखना होगा टाच का केबल भी और खुल के हुआ है टाच काम नहीं कर रहा है या ये ट्रैक कटा हुआ है इसलिए काम नहीं कर रहा है टाच ये तो देखना होगा ठीक है ना तो इस टाइप का अगर कैश आता है ना यूजर को बोल के काम करना है आपको ठीक है क्योंकि ये अब इसमें रिपेयरिंग करने जाएगा उसको ट्रैक ठीक करने जाएगा बाई डिस्प्ले गैप हो गया तो आपको लेना का देना पड़ जाएगा ठीक है इसलिए यूजर से बात करके काम करना है आपको टेंशन नहीं लेना है ठीक है ना जीरो परसेंट रिक्स में काम करना है ठीक है रिक्स नहीं लेना है रिक्स लेना पड़े टेंशन लेना ठीक है तो ये सर्किट नया का दाम है मोटा मोटी पैंतीस सौ चार हजार के आसपास होगा मेरे हिसाब से अगर बोर्ड रिपेयर हो गया तो अच्छा बात है अपना चार्ज मिल जाएगा अगर नहीं हुआ मतलब चेंज करना पड़ा उसमें भी सारे चार्ज मिलेंगे आपको जो कि आप फिटिंग करेंगे टेस्टिंग करेंगे सारा कुछ करेंगे आप तो उसका चार्ज आपको मिल जाएगा ठीक है ना तो इस टाइप की वीडियो है अभी ये सेकंड वीडियो हम बना के दिखाएंगे आपको यूज़ भी वर्क करता नहीं करता ठीक है ज़्यादा लंबा हो होने वाला नहीं तो वीडियो ठीक है तो आप पूरा वीडियो दिखाएंगे स्टेप टू स्टेप और नेक्स्ट दिन आपको मिलेगा इसको रिपेयर होने से क्या टाइप से हम रिपेयर किया पूरा ट्रैक कैसे रिपेयर किया सारा कुछ आपको दिखाएंगे और मेरा चैनल में बढ़िया रहेगा आ, और भी वीडियो बहुत कुछ है आप देख लीजिएगा जैसे लैपटॉप में पासवर्ड लगने से कैसे हटाता है डेस्कटॉप में पासवर्ड लगने से कैसे हटा गए हटाना चाहिए ठीक है ना आप एक टेक्नीशियन होने से बेसिक नॉलेज कितना तक तो होना चाहिए ठीक है उसके बाद में रिपेयरिंग का स्टेप आता है वो भी हम दिखाएंगे अभी तो मेरा नया चैनल खुला है इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिएगा जस्ट अः आठ नौ दिन हुआ है मेरा चैनल खुला हुआ है तो वीडियो मोटा मोटी ट्वेंटी वीडियो अपलोड कर चुका है अभी तक लेकिन व्यूज नहीं आ रहा है तो आप लोग का सपोर्ट से अगर व्यूज मिल जाए सब्सक्राइब मिल जाए तो मेरा भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा काम करने में इंटरेस्टिंग आएगा नहीं तो ऐसे तो मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ और मंथली जो इनकम को है वो तो कर रहा हूँ ठीक है ना मेरा गुजारा चल रहा है YouTube एक शौक होता है आदमी का करने का ओके आप लोग का आशीर्वाद चाहिए और जितना हो सके तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद सुना तो लाइक तो कीजिएगा बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग तो ये बर्निंग है देखो यहाँ पे बर्निंग तो आपको जूम करके दिखा देता है ये दे देखे पहले पहले भी कोई रिपेयर किया होगा क्योंकि ये रिपेयर अभी का नहीं है देखने में लग रहा है और ये बीच में दिखाई दे एक गोल फुला हुआ जैसा उठा हुआ जैसा दिखाई दे रहा है ना ये वो हो गया बर्निंग ओके इसलिए इसका यूज भी कम नहीं कर रहा है ये जो थाउजेंड वाला लैपटॉप आया है ना मेरे पास ये जो लैपटॉप आया थाउजेंड या फोर फिफ्टी सेवे होता है तो इसका यू एस काम करने का नहीं करने का रीज़न यही है ठीक है ना काम नहीं कर रहा था ना माउस में लीड नहीं ग्लो कर रहा था तो इसका रीज़न यही है दो इसमें यू एस है और एक यू एस बी साइड है तो अभी यूजर से बात किया तो यूज़र बोला ये यू एस बना देने से भी होगा या रिप्लेस कर देने से भी होगा तो इसको अभी देखता है साफ करके और ये आईसी मिल गया तो ये आईसी लगा देंगे जैसे ये यू एस है इसके लिए ये आईसी दिया हुआ है देखिए तो ऐसा अगर कोई ख़राब बोर्ड है तो ऐसा सेम ऐसी इसका खोल के यहाँ लगा देने से भी हो गया ठीक है तो लगा कर चेक करता है अगर हो गया तो अच्छा बात है तो मेरा जो सर्विस चार्ज है वो बन जाएगा हज़ार पंद्रह सौ ठीक है क्योंकि मेहनत भी होगा ये पूरा सब करना होगा निकलना होगा ट्रैक बचाना होगा ठीक है ना तब जाके यू एस बी काम करेगा ओके तो इस टाइप का भी इशू आता है और ये जो ट्रैक है इसको अभी रिपेयर नहीं करेगा ठीक है ना पहले तो चेक करेगा टाच काम करेगा नहीं करेगा पहले यू एस बी को ठीक कर लेता है उसके बाद टाच को कम करेगा अगर करेगा काम तो इसमें एक कम करेगा हम टेप लगा देगा इससे कोई दिक्कत अगर नहीं है तो इसको टेप मार के रख देगा ताकि शॉर्ट ना हो ठीक है अगर इससे चलते अगर टाच वर्क नहीं कर रहा है तो फिर इसको ठीक करना पड़ेगा जो जंपर मार के हम लोग को ठीक करना पड़ेगा ठीक है नहीं तो छेड़ना नहीं है क्यों जाने वाला ये खाली ठीक कर देने से हो गया ठीक है ठीके? उनका बजट नहीं है ज़्यादा तो माधराबी रिपेयर का तो चार्ज बनता है ठीक है इसलिए हम खाली यू को ध्यान दे रहे हैं अगर ये बन गया तो हो गया ओके तो वीडियो में बना रहिएगा अब ये रिपेयर करते पहले ये चेंज कर लेता पहले फिर दिखाएंगे आपको